अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हाँ जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें जो हैं वो मुझे ये रिक्वेस्ट करती रहती हैं कि आप ही, हमारी शादी हो गई है या फिर हम ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, हमें कुछ टिप्स बता दें कि ज्वाइंट सिस्टम में या ससुराल में कैसे एडजस्ट करें। तो मैं इतना हंसती हूँ इस बात के ऊपर। मैं कहती हूँ यार, मैं अभी तक, मेरी शादी का माशाल्लाह से 18-19 साल हो गए, नहीं बल्कि 19 साल हो गए, और मैं अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई ससुराल में। तो आप मेरी बहनें कैसे करेंगी। ठीक है, ये मैं खैर मजाक कर रही थी, लेकिन मैं भी आपको बहुत यूज़फुल टिप्स दूंगी, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिश्ते की। अच्छा, अगर आपका फैमिली में शादी हुई है तो फिर थोड़ा सा मेरा जो ख्याल है ना कि मेंटल जो आपने सफ़र कर रहा है वो कम है। लेकिन अगर आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है तो थोड़ा सा आपको फैमिली में समझने में, लोगों की नेचर समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फैमिली में शादी हुई है तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जाहिर है आउट ऑफ फैमिली में है तब भी हो सकती हैं। आप सबसे पहले, मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करें कि सास और ससुर के बारे में कोई भी हदीस नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो बहनें अपने सास ससुर की खिदमत कर रही हैं वो मेरी वीडियो देख के तो सास ससुर की खिदमत करना छोड़ दें। लें जी, बाजी ने कहा था कि सास ससुर का तो कोई इस्लाम में हमारे हवाला ही नहीं है, तो जी इस वजह से ना भी हम उनकी इज्जत या रिस्पेक्ट करना वो छोड़ दें। पहले वक्तों में क्या होता था कि जैसे जोड़ा जो है वो निकाह करता था, निकाह करके वो अपना अलग खेमा लगा लिया करते थे। ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप को मिलते रहते थे, उनकी जो जो जरूरियात होती थी, उनकी खुशी का, उनकी गमी का, उनकी हर एक बात का ख्याल रखा करते थे। ठीक है, अगर आपका हस्बैंड जो है वो पेरेंट्स का एक ही बेटा है, उस, मैं कहती हूँ, औरत को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। और अगर बेटा जो है वो अपने माँ बाप का करना चाहता है, वेल एंड गुड करे, लेकिन इस स्टेज के ऊपर उस मर्द को ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरी बीवी जो है ये भी अपने बहन भाई सारे अपने प्यारे छोड़ के आई है, तो मैं इसको भी उसी लेवल के मुताबिक इज्जत दूं। और शादी से पहले कई लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है कि हमने अपनी स्किन केयर करनी है और हमने बार बार जो है वो फेशियल करवाने सैलून जाना है, जिससे कि हस्बैंड बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फेशियल के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिल्तन प्योर ने जस्ट लॉन्च किया है ये अर्जेंट फेशियल। ठीक है, ये चिल्तन प्योर का है, इस तरह प्लास्टिक की पंप पैकिंग में है, जिसको इस्तेमाल करना नहायत ही आसान है। इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके 5 से 7 मिनट इसको मसाज करना है। ठीक है, फिर आपने तीन मिनट और मसाज करते रहना है या फिर छोड़ देना है। हाथों को आपने बार बार गीला करके मसाज करना है। इससे क्या होता है कि ये सारी जो क्रीम जो है आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी, और फिर आपने इसे 15 मिनट्स के बाद आपने इसे वॉश कर देना है, और इसके कमाल के ऐसे रिजल्ट होंगे जैसे वाकई आप किसी बहुत महंगे सैलून से फेशियल करवा के आई हैं। हम जब कोई लड़की लाते हैं, हम सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हम बहू नहीं ला रहे, हम कोई काम वाली ला रहे हैं। वो आएगी, वो मेरी खिदमत करेगी, वो घर संभालेगी, मैं सोई रहूंगी, वो हमें नाश्ता बना के देगी। आप यकीन करें, अब मेरी माशाल्लाह अम्मी की एज जो है ना वो 65+ है। ठीक है, अभी भी मेरी अम्मी खुद नाश्ता बना के करती हैं, और माशाल्लाह से मेरे अम्मी के 3 बेटे हैं। ठीक है, मेरे माशाल्लाह से आपको पता है कि 3 भाई हैं। मैं अपनी भाभियों की बुराई नहीं कर रही, अल्लाह माफी दे, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब किसी की शादी होती है तो उसकी अपनी मैरिड लाइफ है, वो चाहे जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारे, वो अपना टाइम एंजॉय करे। मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी ऐसी सोच है, मतलब लाइक कि अगर आपकी शादी हो गई है, मियां बीवी अलहदा घर में रहें, अलहदा अपनी जिंदगी गुजारें, खुश रहें, आबाद रहें, जो एक लड़की ने ख्वाब देखे होते हैं अपने बच्चों के साथ वो वैसे गुजारें। मेरी अम्मी को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि बहू वो लाई है, वो काम वाली नहीं लेके आई, तो उनकी अपनी भी जिंदगी है। इस चीज को बहू को भी अंडरस्टैंड करें, और बहू को चाहिए कि वो अपने ससुराल वालों को भी अंडरस्टैंड करें। जब भी कोई लड़की ब्याह के आती है, उसे चाहिए कि वो फैमिली पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ना ले, बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। जो बंदा दूसरों की बातें छुप छुप के आपको बता रहा होता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी बहुत, आपको बताया था मैंने, अर्ली एज में शादी हुई थी, इस तरह फैमिली में काफी ऐसे लोग थे जो मुझे छुप छुप के दूसरों की बातें बताया करते थे और मुझे उन बातों के ऊपर लगाते थे, और मैं उनकी बातें मानती भी थी, उनकी सुनती थी, समझती थी, और उनकी बातों पर यकीन भी करती थी। इससे पता क्या हुआ, इससे मेरा अपना काफी अरसा जो था ना, वो अपना मेरा टेंशन में गुजरा, मतलब लाइक मैंने उन लोगों से कुछ हेट भी किया, मतलब नफरत थी मेरे दिल में, उनकी रिस्पेक्ट नहीं रही। हालांकि हर कोई इतना बुरा भी नहीं होता जितना आपको बड़ी जो सब समझ रहे हैं ना, या कोई आपको दूसरा फैमिली मेंबर, या वो आपके घर में लड़ाई डलवाने के लिए आपको इस तरह अपनी डिगर पे चलाना चाह रहा होता है ना, बदले लेने के लिए, तो आप इस तरह बिल्कुल ना चला करें। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहा करें घर के कामों में, जिस तरह आपकी शादी हुई है। अब तो हमारा ये कल्चर है कि हम इतना जल्दी अलहदा नहीं हो सकते। ठीक है, आप अपने आप को एडजस्ट करें, उस घर को अपना ही घर समझे, बिल्कुल बाहर का घर ना समझे। आप उस घर में ब्याह के गई हैं, वो आपका अपना घर है, आपके बच्चे उसी घर में होने हैं, आपने उधर ही रहना है, आपने खुश रहना है, आपने आबाद रहना है। सब बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें। और ससुराल में कैसे एडजस्ट होना होता है, ज्यादा उनकी सुन लिया करें,
और बस ज्यादा उनकी सुन लिया करें, इसके अलावा और इसका कोई हल नहीं है। जो लोग ज्वाइंट सिस्टम में रहते हैं वो ज्यादा उनकी सुन लिया करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल आप लोग कुर्बान ना होने दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इग्नोर ना करें। उसके बाद सबसे बढ़ के डोरमेट मत बने अपने ससुराल वालों के सामने। बिल्कुल शादी से पहले कई लड़कियां होती हैं ना, जब उनके ससुराल वाले आ रहे होते हैं उनके आगे बिछड़ी होती हैं, बिछड़ी होती हैं, फिर ससुराल वालों को वैसी आदत बन जाती है, और जब शादी हो जाती है तो वो कहती हैं कि नहीं आप तो हम इनकी बुएं बन गई, आप ये हमारी रिस्पेक्ट करें। तो बच्चे ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। डोरमेट बिल्कुल ना बने शादी के बाद, अपना हर काम लेवल पे लेके चलें, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी जिस घर में शादी हुई है अगर वहां पे जल्दी उठने का रिवाज है, तो आप थोड़ा सा अपना 1-2 घंटे की नींद कुर्बान कर लें, क्योंकि देखें आपकी लाइफ चेंज हो गई है। अनमैरिड होने में और मैरिड होने में जाहिर फर्क है, आपकी अब टोटल लाइफ जो है ना वो चेंज हो गई है। आपने बस अपना उस मुताबिक अपने आप को ढाल लें, जैसी वहां पे मतलब जिस तरह के खर्चे हैं, जिस तरह आपका खामद अफोर्ड कर सकता है, कईयों का बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सकता है, कईयों का इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उस मुताबिक खुद को स्टेबल होने दें, अपने आप को कुछ हालात पे छोड़ दें, लेकिन अल्लाह की जात से हमेशा सब्र मांगते रहा करें। थोड़ा सा ये टाइम होता है, टफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की जात से सब्र मांगते रहा करें, अल्लाह की जात से हमेशा शुक्र अदा करते करते, और सब्र से अगर जो अपना टाइम थोड़ा सा होता है ये मुश्किल गुजार लेते हैं ना, आप यकीन करें अल्लाह की जात उन्हें इतने रंग लगाती है कि आपकी सोच है। अच्छा कैसे है कि मैंने आपको लास्ट भी अपनी वीडियोज में बताया था कि मेरे पैसे ऐसा मुश्किल टाइम गुजरा है, लेकिन मैंने ना इतना सब्र किया, तो आज अल्लाह की जात ने मुझे इतना माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ, इंडिपेंडेंट किया है हर लिहाज से, फाइनेंशियली हर लिहाज से। तो अब अल्लाह का शुक्र ये है कि अब मुझे इस तरह की कोई भी ट्रबल नहीं होती, ठीक है। सास ससुर की भी खिदमत किया करें, अगर आप जिस तरह, अगर आपका हस्बैंड कहता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो खुशी से सब सबकी रजामंदी में अगर वो आपको लैदा लेके होते हैं, लेकिन अगर आपको ससुराल में रहने में, अगर आपको आप रिलायबल हैं, अगर आपका ससुराल अच्छा है, अगर आप अच्छी तरह वहां पर एडजस्ट कर जाते हो मेंटली फिजिकली हर लिहाज से, तो फिर आपको अलहदा होने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आप उसी घर में रहें, सबके साथ रहें, इस तरह आप बहुत अच्छा समझते हैं, आपके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपके एक तो बच्चे, जिस तरह एक एक लड़की जब फर्स्ट टाइम माँ बनती है तो उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसे अपने बच्चे को कैसे पालना है, ठीक है। और सिर्फ एक बात होती है कि सास आपको काफी टिप्स देती रहती हैं, आप उधर रहते हैं फिर आपको वो भी समझ आ जाती है, फिर आपके बच्चों को सबका प्यार मिलता है, नानी दादी का, तो उससे ये होता है कि उसमें उससे ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। तो आप इस तरह का अगर काम करती हैं, अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप ज्वाइंट सिस्टम में रहें, लेकिन अगर साइको हो रहे हैं, अगर आप सारे सारी रात आप सो नहीं पा रहे, नंद का रवैया ऐसा है, सास का रवैया ऐसा है, देवरानी ने ये बात कर दी, जेठानी ने ये बात कर दी, तो इस चीज के साथ आप, अगर आपका हस्बैंड मान रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप साइड पे हो जाएं, आप अपना लैदा हो जाएं, आप अपना घर का सेटअप इस तरह चलाएं, लेकिन अगर आपको 2-4 साल सर्वाइव करना पड़ा है तो वेल एंड गुड, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस तरह छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी आप सब्र कर लें, कभी वो सब्र कर लें, कभी आप उनके, अगर आपसे कोई गलती हो जाया करे तो जरूर उस पर माफी मांग लिया करें, लेकिन बड़ों की, किसी बड़ी औरत की, चाहे वो आपकी देवरानी जेठानी है, आपकी नंद है, या इनकी इस तरह की, या कोई भी फैमिली और जो मतलब ससुराल में जिस तरह और फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बारे में कोई किसी किस्म की, उनकी बातों में आने की स्पेशली आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह की जो जात है ना वो आपको आपकी नीयतों का फल देती है। और अगर घर में कोई भी काम पड़ा हुआ है आप घर की सफाई का ख्याल रखा करें, ऑर्गेनाइजिंग का ख्याल रखा करें, मतलब इस तरह छोटी छोटी चीजें करके, अगर हेल्पर आ गया तो हेल्पर से उठ के काम करवा लें, कि अगर मतलब अगर आपकी सास जो है वो एजिड है, या इस तरह अगर किसी के बच्चे हैं तो इस तरह अच्छी तरह मिला करें, अच्छे खाने बनाए, अच्छी अपनी यादें छोड़ी, मतलब अच्छी तरह से ट्रीट किया करें, जिससे ये पता चले कि आपकी माँ ने आपकी क्या तरबियत की है, ठीक है। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं सबकी ऐसे ही बहुत ज्यादा खिदमत किया करती थी, आप यकीन करें, मेरी जो सास है ना, अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे, वो ये कहा करती थी कि इससे इसकी माँ ने ना 7 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के पैदा की है, मतलब ये कितना सबका ख्याल रखती है। और जब उनका आखिरी टाइम था उनकी मैंने इतनी ज्यादा खिदमत की थी कि इतनी उनकी किसी भी बहू ने नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी थी अपने आखिरी वक्त में, तो मैं कहती हूँ कि आज मुझे ये जितनी भी दुआएं लगी हैं कुछ मेरे सब्र का भी है, और साथ उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दुआएं दी थी। अल्लाह खैर करे, अगर आप ऐसा वक्त आता है, अगर आपका हस्बैंड जाहिर आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अपने हस्बैंड की खातिर, अपने सास ससुर का, उनके बहन भाइयों का, जिस तरह आपको अपने रिश्ते प्यारे हैं इसी तरह आपके हस्बैंड को भी प्यारे हैं, अपने आपको अल्लाह की जात पे छोड़ दें लेकिन अपनी नीयत साफ रखें, तो थोड़ा सा ये टाइम होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गुजर जाता है, और टाइम जो है वो अच्छा आ जाता है। फिर आपके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखिए सास ससुर भी सारी जिंदगी तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपके अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, उसके बाद अपने बच्चों को इस फैमिली पॉलिटिक्स में मत लेके आया करें कि फलां ने मुझे ये जवाब दिया था, उसने मुझे ये जवाब दिया था, अब तुम उसे ये जवाब देना, फलां को तुम ये जवाब देना, इस तरह के काम बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरह सिर्फ एक अगर जनरेशन अगर एक खराब आई है तो फिर जो आपकी अगली अपनी नस्ल होगी ना वो भी ऐसी खराब जाएगी, तो इस तरह बिल्कुल ना किया करें, और ना ही बहुओं से इस तरह एक्सपेक्ट किया करें कि वो जी आएगी और वो सारे घर के काम करेगी और हम इस तरह लाएंगे और वो घर समेटेगी, इस तरह
मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, जब मेरी बहू आएगी मैं बड़ी चिल सास होंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे अगर उस टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रही हुई तो मैं बड़ी चिल सास होंगी, तो आप लोग खुद देखेंगे कि वाकई कोई सास की मिसाल अगर कायम करनी थी ना तो वो हमारी बाजी राशिदा मिसाल कायम करके गई है। इधर की बात उधर ससुराल में और उधर की बात इधर आपने कन्वे नहीं करनी, क्योंकि कई लोग होते हैं वो आपको कबूतर की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तुम उसके आगे ये बात करना, वो तुम्हें आगे से क्या बताती है। ये वो उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो थोड़े से जिनकी शादी को अरसा हो गया वो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, वो नई लड़की को यूज करना मतलब इस तरह इनको जानती हैं वो औरतें ना, वो खवातीन आप समझ गए होंगे, ठीक है, वो कबूतर नहीं बना के उधर की बात इधर और इधर की बात उधर आप पहुंचा रहे हो, आप उसकी बातों के ऊपर आप ब्लाइंडली यकीन कर रहे हैं। हर इंसान की हर घर में एक अपनी स्टेज है, ठीक है, वो अपनी स्टेज के मुताबिक ही वो चलेगा। आप नंद को नंद ना समझें, आप उसे अपनी बहन समझ लें, तो यार कुछ अरसे के लिए ना आप उसे अपनी बहन समझ के देख लें, शायद वो वाकई आपकी बहन बन जाए, ठीक है, होती तो नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लें। अगर आपके देवर हैं जेठ हैं उनकी इज्जत करें, अगर वो इस काबिल हुए कि उनकी इज्जत की जाए तो आप करते रहें, नहीं तो आपके हस्बैंड की भी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं यार ये मेरी बीवी की इज्जत नहीं करता, मेरी बच्चों की इज्जत नहीं करता, तो कभी ना कभी ऐसा एक वक्त आता है कि आपके हस्बैंड की ना आंखें खुल जाती हैं, तो उसे पता होता है कि नहीं मेरी बीवी इतनी गलत नहीं थी जितना मुझे बताया गया है या जितना किया गया है। और रोज की जो भी बात हुआ करे अपने हस्बैंड के साथ आप ऐसी केमिस्ट्री बनाए, उनको अपनी हर बात बताया करे, छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी बात उस घर की, बजाय इसके कि अपनी अम्मी को फोन कर करके आप लोग परेशान करें अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया करें। ज्वेलरी जिस तरह कई लोगों की शादी होती है तो सासें कहती हैं आप ज्वेलरी मुझे दे दो मैं संभाल के रख लेती हूँ, यार जब लड़की मेच्योर होती है तभी उसकी शादी होती है ना, जब आप अपना घर बसा सकती हैं तो आप अपनी ज्वेलरी भी संभाल के रख सकती हैं, तो आप अपनी ज्वेलरी जो है वो खुद संभाल के रखें, अपने पास रखें, लॉकर खुलवा लें बैंक में, आप अपने बैंक में रखें, बाकी रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट करवाएं, ठीक है। और जब भी आपके हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हुआ करे थोड़ा सा यार दो मिनट अपने ऊपर लगा लिया करें, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन किया, लाइट से ब्रश लगा लिया, लाइट से लिपस्टिक लगा लिया और बाल संवार लिया और अच्छा सा ड्रेस पहन लिया, ताकि जब आपका हस्बैंड भी घर में आता है तो वो भी एकदम से खुश हो जाते हैं कि यार चलो माशाल्लाह साफ तो है ना, खुशी खुशी उसे वेलकम किया करें। ये नहीं है कि आप हस्बैंड दरवाजे पे आता गया और आप फौरन से शुरू हो गई हैं कि जी आज ये हुआ आज ये हुआ आज ये हुआ, ऐसा नहीं करना, ठीक है, रिलैक्स होकर उसे पानी दें, फिर आराम से अगर जो भी बैठ खाने पीने के बाद फिर उसे अगर बात कोई समझानी हो या उनको बतानी हो तो आप फिर बता दिया करें, लेकिन हमेशा अगर आपने अपने हस्बैंड के दिल के अंदर जगह बनानी है तो उनको हमेशा वार्म वेलकम किया करें जब वो ऑफिस से आया करें, ठीक है, अच्छा सा तैयार होके और बड़े ही खुशी के साथ। तो आप लोग भी इसी तरह बस पॉजिटिव रहें, अल्लाह की ज़ात से दुआ करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और इतना भी मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन मैं शुरू में वीडियो में इसलिए हंसी थी, मुझे काफ़ी लोग कहते रहते हैं पता क्या है जिंदगी जिस तरह आपकी गुजरी होती है ना तो आपके लिए नए नए टास्क आना शुरू हो जाते हैं, नई नई लाइफ मतलब आते दिन एक नया टास्क, एक नई बात, एक नई परेशानी, एक कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, मतलब लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, किसी की किससे लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ आपसे, लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो इस तरह करके मतलब लाइफ चल रही होती है। तो बहरहाल होप्स हो कि कुछ कन्फ्यूजन्स आप लोगों की दूर हो गई होंगी, अगर हो गई हो तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, खुश रहा करें, आबाद रहा करें, और मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं उसका मैं लिंक लगा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहे, खूबसूरत रहे, जवान रहे, परेशानी मत लें, क्योंकि अगर आप परेशानी लेंगे तो आपके फेस पर रिंकल्स आएंगी, आप परेशान रहेंगे, फिर आपके हस्बैंड का भी दिल ना आपसे चढ़ जाएगा, इसीलिए खूबसूरत रहें ताकि आपके हस्बैंड के यार इन्नी प्यारी बीवी मैं कितने छड़ना है, इन्नी मेरी बीवी सोनी है इनू तो मैं नहीं छड़ता, बस ये वाली अपने हस्बैंड की सोच हमेशा जिंदा रहने दे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।